नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज थाना माधोगढ़ के अंतर्गत ग्राम बंगरा में अमन शांतिपूर्ण जश्न ईद मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाया गया। रात्रि तकरीर और नातिया प्रोग्राम हुआ। सुबह तड़के मोहम्मद साहब की विलादत की याद में जुलूस निकाला गया और देश के लिए शांति अमन का संदेश दिया। इस्लाम धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले लोग अज्ञानता और अंधकार की स्थिति में जी रहे थे। लोग अल्लाह के मार्ग से भटक रहे थे। ऐसे में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अपना संदेशवाहक बनाकर धरती पर भेजा। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस धरती पर अपने साथ सत्य का संदेश, अल्लाह का संदेश और उनकी एकता का संदेश लेकर आए, जिसकी बदौलत लोगों को ज्ञान के मार्ग पर जाने के साथ ही सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद मिली। ग्राम बंगरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर अभी हाल ही में जनपद के आसपास इलाकों में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए दुआएं की और साथ ही किसान भाइयों के नुकसान के लिए अल्लाह से दुआएं खैर मांगी और देश में खुशहाली, हरियाली, अमन, शांति की दुआएं मांगी। पेश इमाम इंतखाब चिश्ती साहब ने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए दुआ की गुजारिश की। साथ ही बताया कि हमारे नबी रहमतुल्ला आलमीन बनकर आए यानी सबके लिए रहमत बनकर आए, पेड़ पौधे, पहाड़, इंसान, जानवर सबके लिए रहमत बनकर आए। साथ ही कमेटी युवा पीढ़ी वर्ग जिन्होंने ईद मिलाद में काफ़ी अच्छा सहयोग किया और बेहद मेहनत की, जनाब यूसुफ शेख, सदर जनाब सुल्तान मंसूरी, इलियास, अफसर अली के जीएन टेंट हाउस, इसरार जुनैदी और तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। जगह जगह फल मिठाइयों का अहतमाम किया गया। साथ ही बंगरा पुलिस चौकी का भी काफ़ी सहयोग रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट जालौर में एक गाँव है बंगरा, जिसमें मैं यहाँ का इमाम हूँ। उसके बाद गुज़िश्ता साल जो निकला था उससे बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद जो इस साल लोगों ने अपना जज्बा और अपनी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत दिखाई है लोगों ने, इससे पहले मुझे कभी देखने को नहीं मिली है यहाँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आने वाला साल होगा तो फिर इससे बेहतर ही आप हजरात को देखने को मिलेगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी वजह से और जिसकी खातिर हम ये जुलूस मोहम्मदी यानी जुलूस निकालते हैं, एक जो हम परचम उठाते हैं जुलूस की शक्ल में, वो सारी कायनात में उठता है। और क्यों ना उठे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और वो रहमत क्यों ना हो, इसलिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाई है तो फिर सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।